अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रात 9 बजे उस समय सनाका खिंच गया जब अमहिया थाना अंतर्गत धोबिया टंकी में चार की संख्या में आए अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पान ठेला संचालक पीयूष साहू पिता फूलचंद साहू निवासी धोबिया टंकी को सामग्री सस्ते दर पर ना देने पर उसके ऊपर रॉड व डंडे से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस मामले में कायमी कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी धोबिया टंकी के पास के ही बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा सिगरेट फ्री में मांगी जा रही थी, ना देने पर विवाद किया और मारपीट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस प्रशासन के द्वारा गुटखा सिगरेट बेचने वालों को शपथ दिलाई गई थी और सामग्री की होली जलाई गई थी। इसके बावजूद गली गली गुटखा सिगरेट बिक रहा है, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। फूलचंद साहू, वार्ड क्रमांक 21, साहू मोहल्ला, धोबेड़ंगी। मेरी धोबेड़ंगी में पान की दुकान है चौराहे के बगल से। तो हम तो दुकान उस समय नहीं थे, लेकिन हमको खबर लगी कि दुकान में झगड़ा हो रहा, तो गए तो गए, झगड़ा को हम उसको संभाले और उसको वहाँ से उन लोगों चले भी गए, छुड़ाई छुड़ा वहाँ के कुछ लोग भी आ गए। बाद में चार लड़के आए और हमारे साथ भी मतलब लड़के को मारने लगे, तो हम भी बीच बचाव करें कि भाई ना मारो, पकड़ा धरी तो हमको भी मारे हैं। क्या वजह थी? वजह ये थी कि वो लोग पहले राउंड जब आए थे तो सिगरेट मांग रहे थे। सिगरेट लड़का बोला कि भैया हम बगैर पैसे के नहीं देंगे आपको। लड़का हमारा चिंता नहीं है ना, हम ही चिंते उनको ना, उनको जानते कि कौन है कहाँ से, ये लगते ये मालूम है कि बंसल हैं। और उसके बाद क्या वो लोग नशे से थे, शराब भी पी? हाँ, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि कोरेक्स वोरेक्स सब पिए खाए। 26 से वो 26 से सब। कहाँ चोट आई आपके बच्चे को? बच्चे के हमारे सर में आई है। और दूसरे राउंड जब वो आए हैं तो वो लोग पता नहीं क्या क्या सामान लिया, सामान तो ऊपर नहीं देख पाए, पर बच्चे को जैसे गुरमेट के चारों मारने लगे। बीच बचाव किए तो एक फैट हमारे यहाँ कान पे लगा। एक लोग आए थे मारने? पहले तीन आए थे, बाद में चार आए हैं। क्या नाम उनके जानते हैं? नाम नहीं जानते, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रानी तलाई के आसपास के हैं। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज हो गई है? हाँ, थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज हो रही है। उस समय वही चौराहे के लोग अस्पताल लेके लड़के को भग गए, उनका एक मोबाइल मारते समय गिर गया था। जो मारपीट कर रहे थे उनका एक मोबाइल गिर गया, जिसको हम थाने में ले आके जब्त करा। बच्चे की हालत कैसी है आपके? बच्चे की हालत तो ज्यादा अच्छी नहीं, वो कुछ बता नहीं पा रहा है। डॉक्टर लोग टाँका ओका लगा के उसको रिफर कर दिए हैं, छुट्टी दे दिए हैं। किस चीज से मारे हैं, जानकारी है? ये उस समय भीड़ में समझ में नहीं आया कि हमारे बच्चे के सर पे क्या ऐसा मार दिया उन्होंने। उनके हाथ में रॉड था और एक पंच टाइप का चीज था, हमने देखा थोड़ा सा पंच टाइप का चीज था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, जब दूसरे राउंड आए हैं तो मेरे पेटी का जो दिन भर की बिक्री है वो भी नहीं है। आपके बालक का क्या नाम है जिसके साथ मारपीट हुई? उसका नाम है पीयूष साहू। और लगभग कितनी उम्र होगी? 27 साल। और सर एक से एक सबसे बड़ा हमारा निवेदन है कि पेटी में बाद में दूसरे राउंड जब आए हैं, वो जब मारपीट करने लगे तो हम बच्चे को छुड़ाने में लगे, तो मेरी दुकान क्योंकि सामने से भी खुली है साइड से भी खुली है, छोटा सा पान का टपरा है, तो पेट दिन भर का जो बिक्री थी वो पैसे नहीं है हमारे दुकान में। अभी तो ये भी नहीं पता कि और क्या है या नहीं है, ये तो जानकारी नहीं है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।